हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे मेकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सबके लिए 9 और 10 नवंबर की बेस्ट करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ, तो आशा करता हूँ आप सभी अपने साथ में पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे ताकि आने वाली सारी जानकारियों को आप बकायदा नोट कर सकें और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसे याद रख सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो आपके साथ साथ तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, और जिन एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर जरूर से जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमें लाइक कीजिए इस वीडियो को और आने वाले सारे वीडियोज़ को आप देखें। ठीक है, चलते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान एमएसएमई रोजगार जनरेटर में किस राज्य ने टॉप किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इससे पहले के वीडियोस में मेरे सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चंस होते थे, बट मैंने ये बदलाव किया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो उनके हेल्प के लिए मैंने क्वेश्चन जो है हिंदी में भी डाले ताकि उनके लिए भी मदद हो सके। ठीक है, तो ये बदलाव मैंने आज की वीडियो में किया और आने वाले सारे वीडियोस में मैं ऐसे ही बदलाव के साथ में वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट दिया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार महामारी कोरोना महामारी के टाइम पे आपको पता ही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उस दौरान में जो सबसे मध्यम वर्गीय जो बिजनेसेस वगैरह हैं जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि किस स्टेट ने एमएसएमई रोजगार जनरेटर में, ठीक है, एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स में सबसे बेस्ट काम किया है और बहुत लोगों को रोज़गार दिया है इसके थ्रू। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है इस पेंडेमिक के दौरान में एमएसएमईज के लिए। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश सरकार ही रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। जैसा कि आपको बताया मैंने कि आरबीआई की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि यूपी ने भी टॉप किया है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेट्स और भी इसके साथ में थी, तो टॉप 5 स्टेट्स के नाम आप याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश था, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, ये बदलाव मैंने आपके लिए किया है कि बहुत सारी चीज़ों को मैं बोलता था तो आपको समझ में शायद ना आता हो, तो मैंने उन सब चीज़ों को लिख करके आज लाया ताकि आप सबको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टॉप 5 स्टेट्स में कौन कौन थे, यूपी के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये सारे अभी इस रिपोर्ट्स के अंदर में आए थे। ठीक है, तो यूपी और किन किन कारणों से न्यूज़ में था उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यूपी की सरकार ने एक योजना सरकार चलाई थी जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना, जिसमें श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कीम लाई थी यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसके बाद युवा उद्यमिता विकास योजना, ये भी यूपी गवर्नमेंट की थी। देन यूपी इंटरनेशनल, एक उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट है, दैट इज़ कुशीनगर एयरपोर्ट। ठीक है, कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है अभी रिसेंटली। ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। ठीक है, जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो गाजीपुर से लखनऊ के बीच में बन रहा है, 340 किलोमीटर की दूरी जो तय करेगा। ठीक है, साथ साथ इसे याद किए हुए चलिए। और यूपी गवर्नमेंट ने एक वृक्षारोपण मिशन भी चलाया था। ठीक है, जिसमें 25 करोड़ पौधे लगाने का उनका टारगेट था और उन्होंने वो पूरा भी किया था, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रवासी राहत, एक ऐप भी चलाई थी, प्रवासी राहत मित्र ऐप। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ हर्बल रोड्स भी इन्होंने चलाया था ताकि रोड की दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, जिसके थ्रू जो औषधि वगैरह बनते हैं उन पेड़ों के यूज़ से। ठीक है, तो ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे रोड्स के साइड में। और नवीन रोज़गार छतरी योजना भी यूपी सरकार की योजना थी। ठीक है, इसे आप याद करिए, ये लास्ट 6 मंथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, इसे आप याद करते हुए चलिए। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाजिर घोघा फेरी सेवा, ठीक है, हाजिर घोघा फेरी सर्विस के उद्घाटन के समय पोर्ट, शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय के रूप में किस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। पर
यहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है, मैंने आपको एक वीडियो में कुछ दिन पहले ही बताया था कि एक फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है हाजिर और घोघा के बीच में, ठीक है। इन दोनों फेरी सर्विसेज को रिसेंटली चालू किया गया था, जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। और ये जो हाजिर था, हाजिरा था, ठीक है, ये सूरत में पड़ता है, ठीक है, सूरत। और ये घोघा जो था ये भावनगर में पड़ता है, ठीक है, भावनगर ऑफ गुजरात, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे में या खम्बात की खाड़ी में ये चलाया जाने वाला था, ठीक है, ये सर्विस थी। तो इसमें मोदी जी ने एक और बड़ा बदलाव किया है कि जो हमारा जो मिनिस्ट्री है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, कि किस मंत्रालय का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज रख दिया गया है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में थोड़ा और कुछ जान सकते हैं, जैसे इसके आंसर आपको बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। वैसे हमारे जल मंत्रालय, सॉरी, जो हमारे शिपिंग मिनिस्ट्री है वो किसके अंडर में है, वो है मनसुख एल मंडाविया, ठीक है। मनसुख एल, फिर से लिख देता हूँ, मनसुख एल मंडाविया, ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा, मनसुख एल मंडाविया, ठीक है। और ये पालीताना से जीत करके आए हुए हैं, पालीताना, ठीक है, पालीताना से ये जीत करके आए हुए हैं, आप इसे याद रखते हुए चलिए। और गुजरात किन किन कारणों से न्यूज़ में था उसे भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। गुजरात में एक सिल्क प्रोसेसिंग सेंटर बनने जा रहा है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। जो खादी विकास जो है वो हमारी जो कॉरपोरेशन है, इंडियन कॉरपोरेशन, वो बना रही है, ठीक है। और वहाँ पे एक धन्वंतरी रथ मोबाइल मेडिकल वैन्स जो होती हैं वो भी चलाई गई थी, ठीक है। साथ साथ वहाँ पे फर्स्ट इंडिया का हनी टेस्टिंग लैब बनाया, जो आनंद में बना है गुजरात के, ठीक है। और वहाँ पे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी चल रही है, साथ साथ वहाँ पे आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, जो कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है किसको, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है वहाँ पे उनको लोन्स प्रोवाइड करने के दौरान, क्योंकि एमएसएमई के मतलब कोरोना के टाइम पे जो छोटे व्यवसायी हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो इसके लिए ये योजना चलाई गई थी। साथ ही साथ एक और योजना इनका था लोन्स के लिए, एट वन क्लिक स्कीम, जिसके थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे एमएसएमईज को, ठीक है। साथ साथ गुजरात ने फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, पहला स्टेट है जिसने बड़े राज्यों में सबसे टॉप करने वाला राज्य बना है गुजरात, ठीक है। और गुजरात के सीएम विजय रूपानी हैं, गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं, और यहाँ पे फेमस नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क है, वेलाबदर ब्लैक बक नेशनल पार्क है, फिर वनस्टा नेशनल पार्क है, देन मरीन नेशनल पार्क है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इन सभी चीज़ों को आप याद करते हुए चलिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल में भारत के सबसे लंबे मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चेंटी का उद्घाटन किया है, और सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को मुफ्त वाईफाई प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अभी हाल ही में किस राज्य ने, ठीक है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज बनाने वाला राज्य बना है, और साथ ही साथ अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में फ्री वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करने वाला राज्य बना है, ये राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। अभी हाल ही में उत्तराखंड ने एक ब्रिज बनाया है, ठीक है, ये ब्रिज आपका टेहरी गढ़वाल ब्रिज है, ठीक है, जो मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है इंडिया का, और इसकी लंबाई है आपकी 725 मीटर, ठीक है, 725 मीटर की इसकी लंबाई है, और इसका टोटल कॉस्ट पड़ा है 2.96 करोड़, 2 करोड़ 96 लाख इसके अप्रॉक्सीमेट बताई जा रही है इसकी खर्च पड़ी है, ठीक है। और ये बना कहाँ है, ये टेहरी लेक के ऊपर बना है, जैसे आप ये नाम देख रहे हैं टेहरी, इसी लेक के ऊपर में बना है, ठीक है, टेहरी लेक के ऊपर में ये ब्रिज बना है। और इसमें ये पहली बार ये राज्य भी बन गया है जिसने अपने सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में
फ्री वाईफाई प्रोवाइड करवाई है। तो ये इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो इस काम को करने वाला राज्य बना है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है उत्तराखंड। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड और भी बहुत सारे कानूनों से न्यूज़ में था, इसे भी आप एक बार देखते हुए चलिए। ठीक है, जैसे एक पोर्टल लॉन्च किया था उत्तराखंड सरकार ने, होप पोर्टल। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, फिर एक पार्क बनाया जा रहा है लाइकन पार्क जो उत्तराखंड के मुंशियारी में है जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पे एक ग्रीन रामायण पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रामायण पार्क जो हल्द्वानी उत्तराखंड में है, ठीक है, जो बनाया जा रहा है, जो हो सकता है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में दिखे, तो इसे आप याद करते हुए रहिए। और इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो बनने जा रहा है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनने जा रहा है। ठीक है, और इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी मतलब पंख वाली एक बटरफ्लाई हुआ करती थी, साउदर्न बर्ड विंग। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है ये, सबसे बड़े पंखों वाली ये पर वाली ये बटरफ्लाई थी इंडिया की। ठीक है, इसको बीट करने में वाली अभी एक हाल फिलहाल में एक तितली खोजी गई है, जो खोजी गई है, जिसका नाम रखा गया है गोल्डन बटर विंग बर्ड विंग। ठीक है, गोल्डन बर्ड विंग जो कि उत्तराखंड में पाई गई है। ठीक है, ये उसको 88 साल से साउथर्न बर्ड विंग सबसे बड़ी बटरफ्लाई के रूप में थी, लेकिन इसको बीट करने वाला गोल्डन बर्ड विंग बना है। ठीक है, जो उत्तराखंड में ही हाल फिलहाल पाया गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ साथ और जानते हुए चलिए कि उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। ठीक है, यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, फूलों की घाटी, धन राजा जी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, इसे आप याद करते हुए चलिए। और वहाँ पर कुछ लेक्स भी हैं, स्केल्टन लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, दोतीताल लेक, ठीक है, नौकुचुकी ताल लेक, ठीक है, और सत्ताल लेक, ये सारे लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड से, इसे आप याद रखते हुए चलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में कई परियोजनाओं का, ठीक है, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है रिसेंटली, तो ये किस शहर में किया है? ठीक है, ये पूछा था, इसका सीधा सीधा आंसर होता है वाराणसी। वाराणसी में अभी नरेंद्र मोदी ने टोटल 16 स्कीम्स चलाए हैं, 16 स्कीम्स का उद्घाटन किया है, जो आपके टूरिस्ट, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, टोटल 16 स्कीम्स परियोजनाएँ चलाई हैं वाराणसी सरकार में, यूपी सरकार के लिए। ठीक है, इसका उद्घाटन वाराणसी शहर में हुआ, जिसकी टोटल खर्च बताया जा रहा है 614 करोड़ रुपए का, ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें इस 16 प्रोजेक्ट में लगेगा। ठीक है, इसे आप याद करते हुए चलिए। और यूपी की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, और कैपिटल लखनऊ है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के एम और किस देश के सीरीज ने 7 से 21 नवंबर 2020 तक 14 दिवसीय एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है। ठीक है, मतलब अभी इंडिया नीति आयोग के एम और रशिया, ठीक है, रशिया के सीरियस ने मिल करके एक इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको इनोवेशन, नए नए इनोवेशंस के लिए प्रोत्साहन देना, और दो देशों के बीच में कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना एक दूसरे की, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर की ये स्कीम, मतलब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसमें इंडिया की तरफ से नीति आयोग का एम और रशिया की तरफ से सीरियस काम कर रहे थे दोनों मिल करके। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। चलते हैं, ठीक है, तो एम का मतलब क्या होता है, एम का फुल फॉर्म होता है अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, तो ये नॉर्मली किस लिए किया जाता है, जैसा मैंने बताया आपको कि कल्चरल इनोवेशंस के लिए, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए,
डिजिटल टूल्स वगैरह कोई नया बनाता है तो उसके लिए, ठीक है, ये चीज़ किया गया था दोनों देशों के बीच में। और इस जो मिशन था, ये जो प्रोग्राम था, इसका मिशन डायरेक्टर कौन थे? रामानंद रामानाथन, ठीक है, ये इसके मिशन डायरेक्टर था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और नीति आयोग के बारे में जानते हुए चलते हैं, नीति आयोग का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1 जनवरी 2015 में हुआ था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को हटा करके उसकी जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके वाइस प्रेसिडेंट सॉरी वाइस चेयरमैन अभी कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और इसके CEO कौन है? ये हैं अमिताभ कांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करते हुए चलिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने EAP इंडिया के साथ संबद्धता के साथ अपने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, अभी हाल ही में एक बैंक ने, ठीक है, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है EAP इंडिया के साथ में मिल करके, ताकि जो भी उस बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी पर्सनल या फिर कुछ प्रोफेशनल कुछ परेशानी से अगर साइकोलॉजिकल गुजर रहे हैं तो उनकी हेल्प की जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, तो ये कौन बैंक है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी रिसेंटली EAP के साथ में मिल करके ये प्रोग्राम चलाया, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बेटरमेंट के लिए, उनके हेल्प के लिए, उनको साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए या उनके पर्सनल हेल्प के लिए वो एक काउंसलिंग करवाएगा। ठीक है, इसे आप याद करते हुए चलिए। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानते हुए चलिए, हेड ऑफिस इसका वडोदरा में है, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसके MD एंड CEO संजीव चड्ढा है। अभी SBI क्लर्क के एग्ज़ाम में इनका पूछा गया था कि हु इज़ द CEO और एंड MD ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इनका सही आंसर था संजीव चड्ढा। इसे आप याद रखते हुए चलिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का फाउंडेशन कब हुआ था? 20 जुलाई 1908, ठीक है, किसके द्वारा? महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा, जो बड़ौदा के महाराजा हुआ करते थे उस समय, ठीक है, उन्होंने ये उद्घाटन किया था। और इसका टैगलाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है। ठीक है, और अभी रिसेंटली बहुत सारे बैंक्स भी न्यूज़ में थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं लेकर के आया हूँ। जैसे अभी SDFC ने एक सिप ड्राइव, ठीक है, जो कि ऑटो लोन्स के लिए संग लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने का एक स्कीम है, तो वो लेकर के आया था कौन? SDFC। और SDFC ने ही ई किसान धन ऐप भी लॉन्च किया था। ठीक है, और SBI ने BSNL के साथ मिल करके भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है, ताकि स्मूथ डिजिटल पेमेंट वगैरह के लिए ये भारत इंस्टा पे लाया था, जिसने SBI ने BSNL के साथ में टाई अप करके। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस टू इट्स कस्टमर्स? ठीक है, अभी हाल ही में किस भुगतान बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस देने के लिए भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है? ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, एयरटेल, दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली इस इंश्योरेंस के लिए भारतीय अक्सा के साथ में टाई अप किया है। ठीक है, इसे आप याद करते हुए चलिए। और इसमें भारतीय अक्षा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लेते हैं आप, कि भारतीय अक्षा की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2008। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके MD CEO संजीव श्रीनिवासन। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट टैगलाइन है सुरक्षा का नया नज़रिया। ठीक है, सुरक्षा का नया नज़रिया, ये भारतीय अक्षा का टैगलाइन है। और एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में थोड़ा जान लीजिए, इस्टेब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 2016। ठीक है, और ये इंडिया का पहला फर्स्ट पेमेंट बैंक है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके MD एंड CEO अनुव्रत विश्वास और चेयरमैन इसके सुनील भारती मित्तल। ठीक है, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, बैंकिंग इज़ नाउ एट योर फिंगर टिप्स, इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इसे आप याद करते हुए चलिए। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस हरेश की पुस्तक मूछ या मॉस्टेज, ठीक है,
ने साहित्य 2020 के लिए JCB पुरस्कार जीता है, ये किस भाषा में लिखते हैं? ठीक है, अभी हाल ही में एस हरीश को उनके बुक के लिए, या बुक देख रहे हैं मोस्टिक, ठीक है, इसके लिए अभी JCB पुरस्कार मिला है। ठीक है, वो मलयालम में लिखते थे, ठीक है, वो मलयालम में लिखते थे, इसे आप याद करते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ये JCB प्राइज़ जो है, ठीक है, ये नॉर्मली लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 2018 से 2018 से ये प्राइजेस अवार्ड्स वगैरह दे रहे हैं, जो इंडियन ऑथर को फिक्शन स्टोरीज़ के लिए दिया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में और थोड़ा जान लीजिए कि इसमें 25 लाख रुपए तक के क्या बोलते हैं उसको, प्राइज़ मनी दिया जाता है। ठीक है, और जो इसे ट्रांसलेट करते हैं इसके बुक्स को, जैसे मलयालम में अगर उसने लिखा है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले जो होते हैं उसको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जान करके रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका सही आंसर है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आप सब न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं ये महाशय। ठीक है, ये महाशय जिनका नाम है जो बीडन। तो ये ये यूएस के कितने नंबर के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है 46वें, 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो 45वें नंबर के थे, ठीक है, लेकिन ये 46वें नंबर के बनने जा रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के हिस्ट्री में सबसे ओल्ड एज में प्रेसिडेंट बनने वाले व्यक्ति भी ये बन गए हैं, जिनकी एज 78 साल हो जाएगी इस नवंबर के लास्ट तक। ठीक है, जब ये पद जनवरी में अपना पद ग्रहण करेंगे तब इनकी एज 78 प्लस होने वाली है। तो ये सबसे ओल्ड एज वाली प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं अमेरिकन हिस्ट्री में। ठीक है, और ये आपको बता दूँ कि अमेरिकन हिस्ट्री में आज तक कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है, लेकिन ना कि महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, लेकिन लाइफ यूनाइटेड स्टेट्स के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक महिला प्रेसिडेंट बनने जा रही है। ये भारतीय मूल की एक महिला है जिनका नाम कमला हैरिस है। ठीक है, कमला हैरिस ये ब्रिटेन की नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पूछा जाता है कि ये कितने नंबर की वाइस प्रेसिडेंट, तो इनका नंबरिंग है 49th। ठीक है, ये 49th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट और ये 46th नंबर के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में होगा, और मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा इंडियन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन प्रोसेस के साथ में, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाशिंगटन DC इसका कैपिटल है अमेरिका का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हैज़ launched India's Earth Observation EOS-1 and 9 others from Sriharikota, Andhra Pradesh by which rocket? ठीक है, अभी किस रॉकेट के द्वारा अभी इंडिया का अर्थ ऑब्जर्वेशन एक सैटेलाइट छोड़ा गया है। ठीक है, तो किस रॉकेट के द्वारा ये छोड़ा गया है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है PSLV C-49। ठीक है, PSLV C-49 के द्वारा रिसेंटली इसे ऑर्बिट में छोड़ा गया है, कहाँ से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगर आपके मन में ये बात आ रहा हो कि ये PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे आप याद करते हुए चलिए। ठीक है, और इसरो के बारे में अगर जानना चाहें तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। इसका स्थापना हुआ था 15th August 1969 में, और इसको इनॉग्रेट करने वाले कौन थे, इसका फाउंडेशन किसने किया था, विक्रम साराभाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को
इसरो की स्थापना की थी, जिसका हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर अभी कौन है? इसके डायरेक्टर अभी के सिवान है, ठीक है, के सिवान। और इसके बारे में और क्या जान सकते हैं? हाँ, अगर पूछा जाता है कभी कि इंडिया का सबसे हेवीएस्ट हेवीएस्ट सैटेलाइट कौन था, ठीक है, सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट सैटेलाइट कौन था, तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है जी सैट। ठीक है, जी सैट 29 ये आपका हेवीएस्ट सैटेलाइट था, ठीक है, जिसका वेट 5854 kg, 5854 kg का ये सैटेलाइट था, ठीक है, इसे आप याद करते हुए चलिए। अगर जी सैट का आपका फुल फॉर्म अगर चाहिए तो इसका फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, इसका होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो ये सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट था अब तक का इंडियन इंडियन इसरो के द्वारा लॉन्च किया हुआ, ठीक है। अगर रॉकेट बोला जाए कि कौन सा हेवीएस्ट रॉकेट था, तो उस रॉकेट का नाम है GSLV MK3, ठीक है, GSLV MK3, जिसका करीब अप्रॉक्सीमेट वेट 5000 kg था, ठीक है, ये हेवीएस्ट रॉकेट में आता है, हेवीएस्ट रॉकेट GSLV MK3। और GSLV का अगर फुल फॉर्म अगर जानना चाहें तो इसका होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इसे एक बार सुन लीजिए, हमेशा आपको याद रहेगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा में अगर आपको बताना चाहूँ तो अगर जो नॉर्मली और सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के कितने सरफेस से कितने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है, सरफेस से कितनी ऊंचाई पर घूमते रहते हैं, तो ये नॉर्मली 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई में जो नॉर्मली सैटेलाइट वगैरह घूमते रहते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं अर्थ का। और अगर बोला जाए कि अगर हाईएस्ट ऑर्बिट क्या है जहाँ तक सैटेलाइट ऑर्बिट घूम सकते हैं, तो वो है 36,036 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है, और तकरीबन समुद्र तल से देखा जाए तो 43,000 किलोमीटर तक ऊंचाई उनकी होती है, ठीक है, जहाँ पे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो रोटेट करते हैं अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है, रिसेंटली मंगल मिशन जो हमारा था, ठीक है, जिसको मॉम कहते हैं, ठीक है, मंगल मिशन जो हमारा था उसमें कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया था, तो वो रॉकेट था PSLV C-25, ठीक है, PSLV C-25, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25, ठीक है, ये मिशन मंगल के टाइम पे इसे इसी रॉकेट के थ्रू भेजा गया था, ठीक है। और भी बोला जा सकता है, जो अभी रिसेंटली चंद्रयान 2 हमारा लॉन्च हुआ था उसमें किस रॉकेट का यूज़ हुआ था, तो वो था GSLV MK3 M1, ठीक है, GSLV MK3 M1, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और इसका निकनेम रख जिसका वेट रखा गया था 3840 kg, ठीक है, इस सैटेलाइट का वेट था, जिसकी वजह से इसको निकनेम दिया गया था बाहुबली, ठीक है, बाहुबली इसका निकनेम था, ठीक है, GSLV MK3 M1 का निकनेम था बाहुबली, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 73 वर्ष की आयु में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिम्बो का निधन हो गया, ठीक है, जैसे आप जैसे अभी रिसेंटली आपको दिख रहा होगा ये आपको फोटो में, कि ये सिक्किम के एक मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, जो चौथे चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है 73 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और ये इनकी जो कार्यकाल था वो आपका 1994 में ये CM बने थे, ठीक है, सिक्किम के, और ये इन्होंने ही सिक्किम
संग्राम परिषद पार्टी की स्थापना रखी थी और चौथे चीफ मिनिस्टर बने थे सिक्किम के, तो इसे आप याद करते हुए चलिए। ठीक है, सिक्किम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। ठीक है, सिक्किम जो है, सिक्किम की जैसे फॉर्मेशन जो हुआ था वो 16 मई 1975 को इसका फॉर्मेशन डेट है। ठीक है, इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं इसमें। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है, गैंगटॉक। ठीक है, गैंगटॉक इसकी कैपिटल है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद। ठीक है, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम कौन है अभी रिसेंट के, तो अभी सीएम है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के अभी रिसेंटली सीएम है। ठीक है, ऐसा करते आपको समझ में आया होगा। और साथ साथ ये भी जानते हुए चलिए, यहाँ पे एक फेमस नेशनल पार्क भी है, इसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसे आप याद करते हुए चलिए साथ साथ। और एक बात याद रखिएगा कि सिक्किम ही एक पहला राज्य है जो 2016 में, 2016 में, ठीक है, फर्स्ट स्टेट बना था जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता था, पूरी तरह 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला पहला राज्य सिक्किम था। ठीक है, जो 2016 में ही घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसे आप साथ साथ याद करते हुए चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी हैज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर को इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे मनाया गया है। ठीक है, जिसका थीम था रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली बहुत कोविड-19 के दौरान में बहुत सारे जो भी पहले से प्रॉब्लम्स में जो पेशेंट्स थे उनके लिए भी ट्रीटमेंट करना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो जो इससे रिलेटेड जो भी रेडियोलॉजिस्ट है और रेडियोग्राफर्स, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया इन सबकी इस पेंडेमिक के दौरान में, तो इसके लिए ये चीज़ थीम रखी गई है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि द इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी इज़ एनुअली सेलिब्रेटेड बाय रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज एंड प्रोफेशनल अक्रॉस द ग्लोब। हर साल 8 नवंबर को ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ रेडियोलॉजी के बारे में। ठीक है, और ये पहली बार जब ये मनाया गया था तो 2012 में ये मनाया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसका थीम मैंने बताया आपको, रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम 8 नवंबर को ही क्यों मनाया गया, क्योंकि उस टाइम पे एक्सरे को बनाया गया था, कब, 8 नवंबर 1895, किसके द्वारा, विलियम कोनार्ड रॉन्गटन। ठीक है, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, तो 8 तारीख को ही इन्होंने खोज किया था, इसलिए इस डेट को ही इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लीगल सर्विस डे, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे एनुअली, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर को इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है, ये हमें ये बताता है कि हर एक सिटीज़न का हमारे इंडिया में एक लीगल राइट है। ठीक है, किसी भी काम को करने का एक लीगल तरीका होता है, इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए कि आप किसी भी काम को अगर आप करते हो तो उसे आप लीगल लीगली तरीके से करो। आपको कानून ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लीगल राइट दिया हुआ है, उस लीगल राइट के थ्रू आप काम करें, ना कि अपने इलीगल टाइप से कुछ कीजिए ताकि वो आप आगे चल के प्रॉब्लम में फंसाए। ठीक है, इस चीज़ को अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल हम लोग 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे मनाते हैं। ठीक है, इसे आप याद करते हुए चलिए। ठीक है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि अभी रिसेंटली ये एक मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना शुरू किया गया है। ये नॉर्मली जो ये योजना है, इसके थ्रू अरुणाचल प्रदेश के 33 जिलों में वाटर सप्लाई की जाएगी, पीने लायक पानी भेजा जाएगा। ठीक है, और इससे लगभग लगभग 18,000 लोगों को हेल्प मिलेगा, पानी की सुविधा मिलेगी। ठीक है, जिसका टोटल कॉस्ट 28.5 करोड़ या फिर आप 28 करोड़ 50 लाख बोल सकते हैं, इसका टोटल कॉस्ट बना है इसके लिए, इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, और ये जो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से लोअर दिबांग का जोड़ा गया। ठीक है, नॉर्मली इसको याद रखते हुए चलिए कि ये दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट में, ये वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे वो तकरीबन तकरीबन 18,000 लोगों को पानी पहुँचाएगा। ठीक है, इसे आप याद करते हुए चलिए, और इसके बारे में जानते हुए चलते कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू, और यहाँ के गवर्नर कौन है, बी डी मिश्रा। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है, बी डी मिश्रा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यूट्यूब चैनल पर अपनी पहली न्यायिक कार्रवाई को लाइव करने के लिए कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? अभी रिसेंटली क्या हुआ, इस कोरोना काल के दौरान पे जो हाई कोर्ट्स वगैरह की सुनवाई है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही थी, तो अभी हाल फिलहाल में किस हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि वो अपने जो प्रोसीडिंग्स वगैरह है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह है, उसे आप यूट्यूब में लाइव दिखाएगा। ठीक है, ताकि लोगों को कोर्ट जाने की नौबत ना पड़े और वहाँ से बैठे बैठे ही वो अपना जजमेंट या फिर सुनवाई कर सकें। ठीक है, तो ये रिसेंटली कहाँ हुआ है, कौन सा है, यह है आपका गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि अब ये जो प्रोसीडिंग्स वगैरह होगी वो सीधे यूट्यूब में लॉन्च की जाएगी साथ साथ। ठीक है, इसे आप याद करते हुए चलिए, ये पहला हाई कोर्ट बना है। और अगर इसके साथ साथ आप क्या जान सकते हैं कि टोटल हाई कोर्ट्स इंडिया में कितने हैं? ठीक है, तो टोटल हमारे इंडिया में 25, ठीक है, 25 हाई कोर्ट्स अवेलेबल हैं। जो रिसेंट अभी बना है वो आपकी अमरावती में है। ठीक है, अमरावती जो भी चूँकि आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनने जा रही है। ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश की कैपिटल तो हैदराबाद है, बट आफ्टर 2024 हैदराबाद से बदल करके अमरावती कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे ये अमरावती हाई कोर्ट खुलेगा आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इसे याद करते हुए चलिए। और अगर पूछा जाए कि अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो ये है शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47th, ठीक है, 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसे आप याद करते हुए चलिए। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में पहली पहली लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थी? ठीक है, तो उनका नाम है फातिमा बीवी। ठीक है, फातिमा बीवी, जो पहली लेडी जज थी सुप्रीम कोर्ट की। और ये कब अपॉइंट हुई थी, तो ये 1989 में अपॉइंट होने वाली पहली लेडी सुप्रीम कोर्ट की जज थी। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी, इसे आप याद करते हुए चलिए। और टोटल जज कितने हैं हमारे, तो टोटल सुप्रीम कोर्ट में 33+1। ठीक है, 33+1, ये प्लस वन कौन है, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI। ठीक है, तो टोटल हो गए कितने, 34, टोटल हो गए 34। बस इसे आप पढ़िएगा, 33+1। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेट्रो स्टेशन या विच मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड प्राइड स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड टू ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी एट अ फर्स्ट ऑफ मेट्रो सर्विस इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पहला स्टेशन कौन सा बना है जो ट्रांसजेंडर्स द्वारा चलाया जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर ये जो बैठे हुए हैं,
ये जो लोग हैं ये ट्रांसजेंडर्स हैं जो पूरे मेट्रो को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जो संचालित कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये ट्रांसजेंडर समुदाय का समर्पित एक स्टेशन बना है जिसका नाम दिया गया है प्राइड स्टेशन, ठीक है। ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है? तो ये नोएडा, ठीक है, नोएडा मेट्रो स्टेशन बना है रिसेंटली, ठीक है, जिसे प्राइड स्टेशन दिया गया है, जो कि पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो इसे आप याद करते हुए चलिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज़ बताता चलूँ, रिसेंटली एक भोपाल मेट्रो, ठीक है, भोपाल मेट्रो का नाम बदल करके क्या रखा गया था? राजा भोज मेट्रो, राजा भोज मेट्रो, ठीक है, याद रखिएगा ये। और अगर बोला जाए कि इंडिया का पहला मेट्रो कहाँ चला था, तो वो था कोलकाता। कब चला था? इसकी प्लानिंग हुई थी 1920 में, ठीक है, बट एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1970 में, और पहली बार ओपन कब हुआ? 1984, ठीक है, 1984 में फर्स्ट मेट्रो इंडिया का मिला था कहाँ? कोलकाता। जो कहाँ से कहाँ तक चला था? भवानीपुर से एस्प्लेनेट, ठीक है, भवानीपुर से एस्प्लेनेट चलने वाला पहला मेट्रो स्टेशन था। इसका नाम अभी बदल के नेताजी भवन कर दिया गया है, ठीक है, नेताजी भवन। और एस्प्लेनेट में ही इंडिया का फर्स्ट टायर पार्क बनने जा रहा है, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट टायर पार्क कोलकाता के एस्प्लेनेट में बनने जा रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड परिवर्थनम स्कीम फॉर फिशर्स ऑफ ऑल फिशर्स एंड ऑल्सो साइंड अ MOU विथ ICAR एंड CIBA, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर टू इंक्रीज ब्रैकिश वाटर फिश प्रोडक्शन, ठीक है। अभी खारे पानी में जो फिश वगैरह प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए एक स्कीम केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जिसका नाम दिया है परिवर्थनम, ठीक है, परिवर्थनम। इसके द्वारा ये बताया जाएगा कि जो जैसे इसका सीधा सीधा आंसर पहले देख लेते हैं, इसका आंसर है केरल गवर्नमेंट, ठीक है। केरल गवर्नमेंट ने ये वहाँ के जो युवा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि आप फिश इंडस्ट्री में अपना योगदान दें, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें उन्हें सहायता करने के लिए, ठीक है, ये परिवर्तनम स्कीम लेकर के आई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग युवा इस फिश इंडस्ट्री के साथ में जुड़ सकें और ब्रैकिश वाटर, ठीक है, ब्रैकिश वाटर जो खारे पानी में जो फिश वगैरह पाली जाती हैं उसके प्रति वो मतलब मोटिवेट हो सकें, उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख MM नरवाने ने सुरक्षा, ठीक है, आंसर तो आपको दिख ही गया। भारतीय सेना प्रमुख MM नरवाने ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहित समग्र संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश में दौरा किया था, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडियन चीफ जो हमारे, ये आप देख रहे होंगे, MM नरवाने जो हैं हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं, ये रिसेंटली नेपाल के विजिट पे थे, ठीक है, और नेपाल की विजिट पे थे ताकि उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे टाई अप्स किए हैं, जिसमें आपका डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाई अप किए, ताकि वहाँ की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए, अच्छा की जाए, मतलब हमारे दोस्त दोनों देशों के बीच की जो संबंध है उसको और बेटर किया जाए, ठीक है। इसके लिए दोनों ने टाई अप किया है रिसेंटली। और रिसेंटली अगर ये भी बता दूँ कि यहाँ के नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, तो है विद्या देवी भंडारी और KP शर्मा कोहली यहाँ के PM हैं। और देखा जाए तो हमारे, जैसे मैंने बताया कि इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नरवाने हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन आर्मी का? वो है न्यू दिल्ली, ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ई कॉमर्स कंपनी विच पार्टनर्ड विथ SBI YONO, ठीक है, SBI YONO के साथ में कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने अभी एक SBI YONO कृषि ऐप बनाया है, ताकि जो क्वालिटी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो सब तक पहुंच सके, ठीक है, सब तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली किसके साथ किया है? ये किया है IFFCO के साथ में,
ठीक है, इसका सीधा आंसर है इफ़को। इफ़को के साथ में एसबीआई ने मिल करके एसबीआई योनो कृषि ऐप बनाया है, ताकि जो भी अवेलेबिलिटी है क्वालिटी, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह की पूरे इंडिया में प्रोडक्ट सर्कुलेट किया जा सके, लोगों तक जानकारी पहुंच सके इसके लिए। ठीक है, तो ये एसबीआई ने किसके साथ किया है, इफ़को बाज़ार के साथ में किया है। ठीक है, इफ़को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव्स, इंडियन फर्टिलाइजर्स फार्मर्स कोऑपरेटिव्स। ठीक है, ये इसके साथ में टाई अप किया है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके सीईओ कौन है, उदाई शंकर अवस्थी। ठीक है, उदाई शंकर अवस्थी, ठीक है, ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं, तो इसे आप याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एसबीआई के इस योनो के बारे में। ठीक है, इस योनो के बारे में, तो योनो का फुल फॉर्म होता है यू ओनली नीड वन। ठीक है, यू ओनली नीड वन। ठीक है, अच्छा कहते आपको समझ में आया होगा, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इंडिया, केंद्रीय सूचना आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं डबल। केंद्रीय सूचना आयोग भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है, अभी रिसेंटली ये जो महाशय हैं इनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये हमारे नेक्स्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं। ठीक है, सीआईसी, नेक्स्ट सीआईसी जो कौन है, ये यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ये कितने नंबर के हैं, ये 11 नंबर के सीआईसी बने हैं रिसेंटली। ठीक है, और इससे पहले कौन थे, इससे पहले बिमल जुल्का थे हमारे 10वें नंबर के सीआईसी। ठीक है, इसकी इसकी शपथ किसने दिलवाई, इसकी शपथ प्रेसिडेंट ने दिलवाई है रिसेंटली। ठीक है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसकी इनको शपथ दिलाई। और नॉर्मली पूछा जाता है क्वेश्चंस कि जो सीआईसी होते हैं उसका कार्यकाल कितने सालों का होता है, तो ये 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। ठीक है, 5 साल या फिर 65 ईयर्स। ठीक है, 65 ईयर्स, तो ये जो हैं ये 3 साल के लिए ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी एज अभी 65 वर्ष है, तो ये 3 साल तक ही और रह पाएंगे सीआईसी के पद पर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये जानते हुए चलिए कि इसके पुराने कौन थे, बिमल जुल्का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शन टू द मैक्सिमम प्रोपोर्शन, 69.56% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड, अभी रिसेंटली बड़े राज्यों में कौन सा राज्य बना है जिसने मैक्सिमम रूरल एरियाज़ में पानी, ठीक है, टैप वाटर पहुंचा दिया है। टैप वाटर पहुंचाने वाला अभी रिसेंटली कौन बना है, तो रिसेंटली बना है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 69.56% रूरल घरों में, ठीक है, रूरल घरों में पानी का जल जो होता है ना, टैप वाटर, ये आप देख रहे होंगे, टैप वाटर पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है बड़े राज्यों में। ठीक है, इसने भी हाल फिलहाल में टॉप परफॉर्म किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इससे पहले कौन बना था, गोवा जो था वो 100% पहुंचाने वाला राज्य बना था अपने रूरल एरियाज़ में टैप वाटर के थ्रू। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, रिसेंटली अभी एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है आपका मालाबार। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज, ये किन किन देशों के बीच में हुई, ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था इसका। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिसेंटली ये अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी था। ठीक है, कि कौन से देश के बीच में मालाबार एक्सरसाइजेस हुई हैं अभी रिसेंटली। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है आपका 24th। ठीक है, 24th मालाबार एक्सरसाइजेस हुई हैं किसके बीच में आपका, ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो राज्य हैं, देश हैं, वो है US, ठीक है, जापान, हमारा देश इंडिया,
और लगभग लगभग इस बार आफ्टर 10 ईयर्स ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसमें 4 देश ही थे, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इन 4 देशों ने मिलकर ही ये स्टार्ट किया था 1992 में, बट कुछ कारणों से ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार को एग्ज़िट कर चुका था। ठीक है, बट आफ्टर 10 ईयर्स फिर से ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार को ज्वाइन किया है। और ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो 4 देशों का ग्रुप है, इसे क्वाड कहा जाता है, QAED। ठीक है, क्वाड कहा जाता है, जिसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये जो 4 देश हैं इनके बीच का अपना टाई अप है, अगर किसी एक देश पर अगर कोई हमला करता है तो ये 3 देश के ऊपर हमले के बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड ग्रुप है। ठीक है, क्वाड ग्रुप कंट्रीज़ कौन कौन है? इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अच्छा, कथा को ये समझ में आया होगा। ठीक है, और इंडियन नेवी, ये जो इंडियन नेवी का ही एक्सरसाइज है, इसे याद रखिएगा। और हमारे इंडियन नेवी चीफ कौन है? करमवीर सिंह। ठीक है, करमवीर सिंह है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम ऊंचाई वाला डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा, ये आप देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा ऊंचाई में स्थापित किया जाने वाला डेटा सेंटर बनने जा रहा है आपका तिब्बत में। ठीक है, आशा करते हैं कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण एक्टर पद्म पुरस्कार से सम्मानित अनुपम खेर ने अपनी नई पुस्तक योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ये भी रिसेंटली इनकी एक बुक है, ठीक है, इसको लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है, आपको देख रहे होंगे, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं हमेशा, तो इनकी बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसका नाम है लेसन लाइफ टॉट मी अनलोइंगली। ठीक है, इनकी अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, कि अपने लाइफ से जो जो इनको एक्सपीरियंसेस हुई हैं, या फिर जो जो इनको जो भी इनकी कहानी रही है इनकी लाइफ की, उन्होंने पूरी चीज़ें इसमें बताई है अपने। ठीक है, तो ये आपको याद करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, करात 2020 एक्सरसाइज इज सेट अप टू टेक प्लेस इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अभी एक एक्सरसाइज की गई है, करात 2020 एक्सरसाइज। ठीक है, ये किन 2 देशों के बीच की एक्सरसाइज है? ठीक है, ये रिसेंटली अभी हुआ है, तो ये बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, जो एक नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है, दोनों के बीच में अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है, और ये बंगाल की खाड़ी में हुई है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और साथ साथ ये भी जानते हुए चलिए कि बांग्लादेश के साथ में इंडिया का एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है संप्रीति। ठीक है, संप्रीति एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ में होता है, और यहाँ के सीएम कौन है, सॉरी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश की? तो है शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ ये आपको सारी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और ये 2 दिनों के बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे हमेशा याद रखिए और इसे बकायदा नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका बांग्लादेश एंड US। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर मेकर्स एकेडमी में अगर आप नए आ रहे हैं, तो हमें ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, और आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, या फिर जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जिस ग्रुप स्टडी में आप हो, तो आप वहाँ पर इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी अभी उन तक पहुँच सके और उन्हें भी यूज़फुल हो सके। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर उन्हें सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और
सब्सक्राइब करने के बाद जब आपको एक बेल आइकन दिखेगा तो उस बेल आइकन में ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारी है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो और आप लोग सभी अच्छे होंगे इस कोरोना काल में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।